ओ भाई साहब, कितना ज्यादा सिक्योरिटी लगा यहाँ पे, कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं और इतनी खतरनाक जगह पे इतने सारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, भाई साहब मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और यहाँ पे एक बार ऊंचाई देखो भाई, पहाड़ के ऊपर कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं, कितनी खतरनाक जगह है। सो दरअसल गाइस, यहाँ पे इतनी सारी पुलिस इसलिए लगी हुई है क्योंकि हमारे सिटी के अंदर क्या हुआ, एक प्लेन जो है क्रैश हो जाता है जो कि सरकारी प्लेन था, और वो प्लेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर भी थे जो कि सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और उस प्लेन के अंदर हमारे सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी थी जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जिसका प्राइस है 75 लाख करोड़ रुपए, और सामने की तरफ तुम लोग देख सकते हो सामने की तरफ है। और आज उसी गाड़ी को मैं चोरी करने के लिए आया हूँ। वैसे मैं गाइस कोई फायर ब्रिगेड वाला नहीं हूँ, मैं हूँ इंटरनेशनल लेवल का चोर डेविड, और आज हम लोग यहाँ पे उसी गाड़ी को चोरी करने के लिए आए। और अंदर मेरे को एंट्री नहीं मिलती, इसलिए मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके आया हूँ, क्या पता मेरे को अंदर एंट्री मिल जाए। वैसे यहाँ पे आगे की तरफ ऑफिसर खड़ा है, मेरे को आगे जाके बात करनी पड़ेगी भाई अंदर बस एंट्री मिल जाए। हेलो ऑफिसर, मैं फायर ब्रिगेड टीम की तरफ से हूँ और यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ, मतलब अगर आग वगैरह लगी है तो उसको मैं सही करने के लिए आया हूँ, तो प्लीज मुझे अंदर जाने की परमिशन दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच। सो फाइनली गाइस, हम लोगों को अंदर जाने की तो परमिशन मिल चुकी है। वैसे मेरे को लगा नहीं था कि इतनी इजीली जो है अंदर जाने की परमिशन मेरे को मिल जाएगी, लेकिन फाइनली मेरे को अंदर आने की परमिशन मिल गई। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्टिंग करना पड़ेगा कि किसी को पता नहीं चल जाए भाई कि मैं नकली फायर ब्रिगेड वाला हूँ। बस मैं तो एक ही मकसद से आया हूँ कि भाई कैसे भी करके मेरे को गाड़ी चोरी करनी है। और यहाँ पे भाई साहब एक बार तुम लोग प्लेन की हालत देखो भाई, कितनी गंदी हालत हो रखी है। और पहाड़ी के ऊपर ये जो है ना, ये अटक गया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो पहाड़ी के ऊपर ये अटक गया है, और इसी के अंदर जितने भी पैसेंजर ना सारे के सारे पैसेंजर खत्म हो गए। बस जो एक गाड़ी थी जो कि पूरी सोने की बनी हुई है, जो कि हमारे सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी थी, जिसका प्राइस है 75 लाख करोड़ रुपए, जो कि तुम सोच सकते हो कितने ज्यादा होते हैं। और वो जो गाड़ी ना बुलेट प्रूफ है, इसलिए आग से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसी की सिक्योरिटी के लिए उसी को मतलब उसको कोई चोरी ना कर ले, इसीलिए भाई साहब गवर्नमेंट ने यहां पे Z+ सिक्योरिटी लगा रखी है। मैं थोड़ी बहुत यहां पे एक्टिंग कर लेता हूं ताकि किसी को शक नहीं हो। वैसे भाई कितने सारी पुलिस और कितने फायर ब्रिगेड वाले पहले से यहां पे खड़े हैं। और गाइस यही गाड़ी है भाई, एक बार गाड़ी का लुक देखो, कितनी मस्त गाड़ी लग रही है, कितनी ज्यादा तकड़ा लुक है, और पूरी सोने की बनी हुई है, पूरी गोल्ड की बनी हुई है, जो कि तुम देख सकते हो। तो थोड़ा बहुत यहां पे मैं एक्टिंग कर लेता हूं ताकि भाई इनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। अगर इनको शक हो गया, इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, तो भाई इजीली जो है मेरे को यहीं पर टपका देंगे, तो भाई मेरे को पूरा ध्यान से यहां पे काम लेना पड़ेगा। और यहां पे पहाड़ी के ऊपर ये बहुत बड़ी पहाड़ी है, कितनी ऊपर पहाड़ी है, अगर यहां से गलती से भी कोई नीचे गिर गया ना, तो भाई बचने के कोई चांस नहीं है। और इस पहाड़ी के ऊपर भाई इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से सिक्योरिटी लगा रखी है, जो कि तुम देख सकते हो। अब गाइस देखो, मेरे को लगता नहीं है कि हम लोग नॉर्मल तरीके से यहां से गाड़ी चोरी कर पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं सबसे पहले यहां से निकल लेते हैं। और वैसे गाइस, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, क्योंकि जैसे आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक करोगे तो आपको जो ना एक बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज मिलने वाली है। अब क्या मिलेगी वो तो आप लोग लाइक करोगे तभी पता चलेगा, तो जो भी लोग लाइक कर देना, और जिसने भी फॉलो नहीं किया है फॉलो के बटन में क्लिक करके फॉलो भी कर देना। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले काम करते हैं, गाड़ी लेके हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग को एक दूसरा आइडिया आया है, उस आइडिया से हम बहुत इजीली सारी सिक्योरिटी एक सेकंड में खत्म हो जाएगी और हम लोग गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो जो आइडिया आया है ना, वो अभी मेरे दिमाग में आया, यार पहले क्यों नहीं आया, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई यहाँ से मेरे को कैसे भी करके। और भाई ले, ये तो गए भाई। अरे भाई साहब, गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, दो टूरिस्ट यहाँ पे आए थे और भाई उनको मैंने टपका दिया। मेरे को कैसे भी करके यहाँ पे गाड़ी रोकनी है। और यहाँ पे गाइस हम लोग क्या करने वाले पता है, यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और मैं अपनी गाड़ी पे बहुत ज्यादा पेट्रोल डालूंगा, क्योंकि मैंने ये सोचा है ना कि अपनी गाड़ी पे बहुत ज्यादा पेट्रोल डाल के और उसके बाद मैं बॉम्ब वगैरह लगा के गाड़ी को सिक्योरिटी के बीच में ले जाएंगे और गाड़ी से नीचे उतर के हम लोग क्या करेंगे, बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे और जितनी भी पुलिस होगी जितनी भी आर्मी होगी सारी वहीं पे खत्म हो जाएगी। बहुत इजिली हम लोग जो है वो वहां से चोरी कर देंगे, जितना भी जो मतलब जो गाड़ी है उसको बहुत इजिली हम लोग यहाँ पे चुरा लेंगे। अभी देखो आइडिया यही था, क्योंकि वहां पे अगर मैं थोड़ी बहुत भी जो है करता तो पुलिस वाले भाई चारों तरफ से मेरे को घेर रखे थे, तो मेरे को खत्म कर देते। तो अब देखो यार, ये आइडिया हमारा जो है सक्सेसफुल हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, ये तो हम लोग वहां पे जाएंगे ना तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, बहुत सारे बॉम्ब हम लोग यहां पर डाल देते हैं। वैसे जितने भी लोग है गाइस, लाइक वाले बटन में क्लिक करके लाइक कर दो, इस वाली वीडियो पे जो ना 50,000 लाइक का टारगेट है, तो यार देखो लाइक आपको करना है, फटाफट से लाइक वाले बटन में क्लिक करके लाइक कर दो, और जिसने भी फॉलो नहीं किया है फॉलो के बटन में क्लिक करके फॉलो भी कर देना। भाई साहब यहाँ से घुमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और एक बार देखो भाई नीचे का तुम लोगों को समुद्र दिख रहा है पानी का, भाई वहां पे समुद्र है और इतनी ऊंचाई पे जो ना पहाड़ी है, कितनी ऊंचाई पे पहाड़ी है, और यहाँ पे मैंने बहुत ही ज्यादा रिस्क लिया है गाइस।
बस मेरे को कैसे करके गाड़ी को सही से घुमाना है। अगर गाड़ी स्लिप हुई, ये देखो गाड़ी स्लिप हो रही है, अगर गाड़ी स्लिप हुई ना यहाँ से तो भाई सीधा मैं जमीन के अंदर, मतलब सीधा नीचे जाऊंगा, नीचे से सीधा ऊपर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मेरे को ध्यान से जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी वालों को बिल्कुल भी शक नहीं हो जाए भाई, मेरे को पूरा ध्यान से काम लेना पड़ेगा, पूरा ध्यान से। अगर सिक्योरिटी वालों को बॉम्ब वगैरह दिख गए या फिर जो है पेट्रोल की स्मेल आ गई तो भाई ये उसी जगह पे मेरे को शूट कर देंगे और मैं गाड़ी के अंदर ही खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर पहले ही बॉम्ब फट जाएंगे। मेरे को गाड़ी से कूदना पड़ेगा और भाई ये ले भाई सब, उसको टच हो गया गाड़ी को, मेरे को गाइस कूदना पड़ेगा और भाई सब ले। भाई 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 ये क्या हुआ भाई, मैं ऊपर से नीचे गिर गया, मैं गया, अगर मैं नहीं रुका ना बीच में और नीचे की तरफ गया, ओ भाई साहब ये क्या है, ऊपर से गाड़ियां गिर रही है। और रे भाई बच गया, अबे ले मेरी ऊपर ही गाड़ी गिर गई भाई, अब तो मैं गया भाई बीच में बच गया, नहीं तो सीधा मैं नीचे जाता जमीन पे और भाई पत्थरों से टकरा के मेरा सर फट जाता और मैं तो यहीं पे खत्म था। अब मेरे को जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा गाड़ी के पास में। फाइनली हम लोग गाड़ी के पास आ चुके हैं और यहाँ पे मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई, पूरी पूरी सिक्योरिटी तो पहले से ही खत्म है। और रे भाई साहब कितना ज्यादा पावरफुल आइडिया था गाइस, जैसे ही मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया भाई सारे के सारे पुलिस लोग यहाँ पे खत्म हो गए। और अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे टाइम पे नीचे गिर गए, वैसे मेरे को चोट तो आई है लेकिन हम लोग नीचे गिर गए। अगर हम लोग नीचे नहीं गिरते ना तो भाई ये पुलिस वाले जो है ना ये हमें उसी जगह खत्म कर देते, ये फिर जो बॉम्ब फटा था ना उससे हम खुद ही खत्म हो जाते। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ गए हैं, दूसरी पुलिस को पता चल चुका है, मेरे को जल्दी से ऊपर की सारी पुलिस को खत्म करके और यहाँ से जो गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा। मैं फटाफट से जो है नीचे तो चाहता हूँ भाई, देखो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, 1% भी सिक्योरिटी नहीं है, सारे पुलिस वाले यहाँ से खत्म हो चुके हैं, जितने भी आर्मी वाले थे पुलिस वाले थे सारे उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर खत्म हो गए। अब मेरे को जल्दी से जो है इस गाड़ी के अंदर बैठना है भाई, गाड़ी बुलेट प्रूफ है, अगर गाड़ी ऊपर से नीचे भी गिर जाती है ना तो भी कुछ भी नहीं होगा गाड़ी को। बस मैं फटाफट से पीछे की तरफ घुमाता हूँ, अभी भी ये क्या हो रहा है, अबे ले भाई गाड़ी, भाई ये क्या हो रहा है, गाड़ी भाई कैसे उतर रही है नीचे की तरफ। ओ भाई सब बच गए यहाँ पे, अच्छा हुआ यहाँ पे बच के मैं थोड़ा दूर दूर की तरफ हटता हूँ। और भाई मेरे को जल्दी से जो है नीचे की तरफ जाना पड़ेगा भाई साहब, नीचे की सड़कें देखो कितनी छोटी छोटी दिख रही है भाई, गाड़ी कितनी ज्यादा ऊपर थी, कितनी पहाड़ी के ऊपर थे हम लोग। बस मैं कैसे भी करके ध्यान से नीचे उतर जाऊं यार, यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। और रे रे रे, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब बहुत गलत जा रही है, और आप बस मेरी गाड़ी नीचे रुक जाए। और रे भाई बैरिकेड तोड़ के भाई गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे आके खड़ी हो गई है, और यहाँ पे देखो कितनी सारी पुलिस मेरा पहले से इंतजार कर रही है, ये देखो भाई सारे लोग मेरा पहले से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके मेरे को पकड़ना है। अब मेरे को जल्दी से यहाँ से पुलिस वालों से बच के यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये पुलिस वाले भाई मेरे को कहीं से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि भाई पूरी पुलिस फोर्स मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं हूँ भाई सबके आगे। वो देखो भाई गाड़ियाँ आगे ले जा ले जाके रोड को ब्लॉक कर रहे हैं कि कैसे कैसे मेरे को रोकना है, लेकिन ये गाड़ी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि 75 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई, उतनी महंगी गाड़ी को मैंने चुराया है, तो भाई बहुत ही ज्यादा तकड़ी गाड़ी है। और अब मेरे को कैसे भी करके यहाँ से बच के और आगे की तरफ जाना पड़ेगा, बस मैं जल्दी से जो है यहाँ से पुलिस वालों से इस हाईवे से निकल जाऊँ ना, उसके बाद मैं बच जाऊंगा। और रे भाई क्या, और ये देखो भाई किस तरीके से गलती तरीके से जो है रोड को ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा मैं यहाँ से तो बच गया। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, फॉलो कर देना, रोबी कैसे लगे कमेंट में बताना।